जय हिंद डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू अ गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू द सरफेस। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेट के इस मैग्नेटिक पोल से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। सपोज कर लेते हैं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने हैं, 6 हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 6 हैं, फील्ड लाइंस कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं। मान लो कि यही 6 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सरफेस ले लिया, मान लो एक लूप है, ये एक क्या है, लूप है। तो इस लूप से क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? नहीं पास हो रही है। लेकिन अब हम क्या करें कि इस लूप को धीरे 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 ऐसे लेकर आओ, मैग्नेट के पास लेकर आओ मैग्नेट के पास। अभी भी एक भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रही हैं, फील्ड लाइंस नहीं जा रही हैं इस लूप से। अब अगर हम देखें तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से जा रही हैं। अब देखो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से जा रही हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से होकर जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप, तो लूप से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, दो। तो यही तो हमने कहा इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब अगर ये एक नंबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये एक नंबर है, तो याद रखना एक नंबर है तो ये एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर तो नहीं कह सकते हैं, एक नंबर है, तो फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि जिसकी काउंटिंग तो उसी की करते हैं जो एक नंबर के तरीके हो, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर हम देखें कि इस लूप को और आगे बढ़ाएं, तो अब इस मौके पर देखो तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। अब चार हो गए, अब पाँच, छः, सारा का सारा होगा। अब ये नंबर जो है बदलता चला जाएगा, नंबर क्या है बदलता चला जाएगा, और नंबर बदलता चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप बदलता चला जाएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस लूप ये बढ़ता चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कितनी हो रही हैं इस लूप से, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं। इसे फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या बहुत ज़्यादा करेंगे तो फाई ई लिख देंगे, तो फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, बी ए और कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा। और अगर इसको स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो बी डॉट ए लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। और यहाँ पर याद रखना थीटा क्या है, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, याद रखना एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जैसे हमने लिया है ना कोई एक सरफेस, मान लो कि कोई एक सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है, और इस सरफेस पर मान लो कि यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलो ये हो गया, ये ऐसे, ऐसे होंगे। तो सपोज कर लेते हैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस में से पास हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका जो एरिया वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर यहाँ पर, अगर एरिया वेक्टर को n से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें, n से, तो ये एरिया वेक्टर n हो जाएगा, यूनिट वेक्टर n हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर यूनिट वेक्टर n हो जाएगा।
यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा, ये एन है, ये यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये, किसके किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और यूनिट वेक्टर एन के बीच का, जो डी एस या एस या ए एरिया है, उस एरिया का एरिया वेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर फाई बी इज इक्वल टू बी ए और कॉस थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, आप चाहो तो ऐसे डी एस लिख लो, आप चाहो तो डी एस लिख लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यूनिट वेक्टर डी एस लिख लो, आप यूनिट वेक्टर डी एस चाहे लिख लो, चाहे जो भी आप लिख लो, आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल होना चाहिए, बस ये। तो फिर ये फाई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फाई बी हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, यूनिट होगा हो जाएगा, देखो कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं, बी है तो इसकी यूनिट टेस्ला होगा, और ए है तो मीटर स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बनेगा। यूनिट से मुझे एक चीज़ और याद आया, यूनिट से इससे पहले हमने जो लेक्चर किया उस लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें मैंने जब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताई थी तो थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गया था, वो क्या गया, मुझे कई लोगों ने बताया ये, देखो यहाँ पर L से L कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, डायमेंशन ऑफ B में अगर आप देखोगे तो न्यूटन अपान सेकंड, कूलाम अपान मीटर होता है, तो कूलाम को AT लिख दिया, मीटर को L लिख दिया, और न्यूटन को ML T माइनस टू, सेकंड को T। तो आप ज़रा गौर से देखो, ये L से L कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, तो M बच रहा है और यह T की पावर माइनस टू बच रहा है, जबकि हमने L की पावर माइनस टू लिख दिया, ये मिस्टेक हो गया, और A जब बच रहा है माइनस A की पावर माइनस वन, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका आ जाएगा m, फिर वही लिख रहा हूँ देखो, m t माइनस टू और a की पावर माइनस वन लिखूँगा, क्या लिखूँगा, m m और t टू दी पावर माइनस टू और a टू दी पावर माइनस वन, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, क्या होगा ये, डायमेंशनल फार्मूला फार्मूला ऑफ b हो जाएगा, ये करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला होगा, यही थोड़ा मिस्टेक हो गया था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब हमें डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, इसका किसका कैलकुलेट करना है, डायमेंशनल फार्मूला हमको कैलकुलेट करना है किसका, फाई का, किसका, फाई का। तो टेस्ला का तो अब होता है एम एल एम टी होता है, एम टी माइनस टू ए टू दी पावर माइनस वन, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये अभी अभी कैलकुलेट किया, एम टी पावर माइनस टू और ए पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा एम टू दी पावर वन, एल टू दी पावर टू, टी टू दी पावर माइनस टू, ए पावर माइनस वन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फाई बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये बनेगा। अच्छा एक दो यूनिट की और हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कर ही लेना चाहिए, मैं यहीं से इस वीडियो को बस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाना चाहिए चाहता था, लेकिन कर लेते हैं हम लोग। देखो इसका जो वन टेस्ला होता है और मीटर स्क्वायर होता है, इसका एक यूनिट बेवर होता है, तो वन टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम बेवर भी बोलते हैं। और अगर CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट की बात करें, तो इसका एक यूनिट मैक्सवेल भी होता है। CGS यूनिट की बात कर रहा हूँ, जैसे टेस्ला इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला इज इक्वल टू गॉस होता था, ये CGS यूनिट होता था, ठीक उसी तरीके से मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, और ये किसकी यूनिट थी, ये बी की यूनिट थी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो मैक्सवेल इसकी यूनिट होगी, और वन मैक्सवेल इक्वल टू कितना होता है, वन मैक्सवेल इज इक्वल टू वन गॉस होगा और इनटू वन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मैं वन गॉस लिखूंगा तो, और 10^-4 मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा अगर मैं ये लिखूंगा तो, ये ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा हमको, यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और गॉस की वैल्यू 10^-4 और ये टेस्ला लिखना पड़ेगा, ये क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ला लिखना पड़ेगा और 10^-4 मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो वन मैक्सवेल इक्वल टू ये होता है, तो वन मैक्सवेल इक्वल टू ये लिखना होगा 10^-, कितना हो जाएगा, 10^-8 लिखना होगा और ये टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। और टेस्ला मीटर स्क्वायर हमने क्या बताया आपको, बेबर भी होता है, तो 10^-8 बेबर लिखना होगा, वन मैक्सवेल इक्वल टू,
मैक्सिवेल इक्वल टू, और वन वेबर इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, वन वेबर इक्वल टू वन वन अपॉन टेन रेज टू पावर माइनस एट मैक्सिवेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिवेल हो जाएगा, इसका मतलब वन वेबर इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर एट मैक्सिवेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिवेल हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको पता चल गई होगी, पूरा हमने कन्वर्जन भी आपको बता दिया कि एक मैक्सिवेल कितना होता है, तो एक मैक्सिवेल टेन रेज टू पावर माइनस एट वेबर होता है, या वन वेबर इक्वल टू टेन रेज टू पावर एट मैक्सिबल होता है। तो मैक्सिबल में टेन रेज टू पावर एट से मल्टीप्लाई करें तो एक वेबर मिल जाएगा। तो ओवरऑल दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, बस मैग्नेटिक फ्लक्स में इतना ही बेटे, और आगे और बस इसमें इतना ही है। हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, और उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।